खीर? ये खीर कहां से लाए हो हनुमान? बताओ हनुमान, कहां से आई है ये खीर? किसने पकाई है? प्रभु, ये खीर अपने हाथों से मेरी माता ने पकाई है। अच्छा, माता ने? बहुत स्वादिष्ट है तुम्हारी माता के हाथों की खीर। सीता की पकाई खीर के जैसा स्वाद है इसका। सच में हनुमान, आनंद आ गया। मैं प्रभु को माता सीता का, उनके पुत्रों का समाचार तो नहीं दे सका, किंतु उनके मुख पर पुनः मुस्कान देखने का परम सौभाग्य तो प्राप्त हुआ है मुझे। अब मुझे प्रभु से अनुमति लेकर माता सीता और लव कुश की रक्षा के लिए वन लौट जाना चाहिए। ये दोनों यही हैं मेरे हाथों में आने के लिए प्रस्तुत। इतने समय से इन पर ताक लगाए बैठा था, किंतु इनके संहार का उचित अवसर आज मिला है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे शिशुओं पर कोई संकट आने वाला है? मुझे शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। कोई नहीं रोक सकता मुझे, सभी बाधाओं को मिटा दूंगा, फिर कोई आंधी उठे या झंझावात। अपने तन को छोटा बनाकर कान के मार्ग से प्रवेश करूंगा इनके शरीर में, फिर इनके कोमल मस्तिष्क के आहार का आनंद उठाऊंगा। ये कीट तो शिशुओं की ओर ही जा रहा है, कहीं शिशुओं के पालने पर ना चढ़ जाए। अभी इसे निकालती हूँ। अब कोई भी आंधी या झंझावात मेरे मार्ग की बाधा नहीं बन सकता। ये छोटा सा वायु प्रवाह तो क्या रोकेगा मुझे? ये तो कोई विचित्र सा प्राणी है। तुम्हारे मुख से तनिक सी भी ध्वनि निकले, उसके पूर्व ही मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। व्यर्थ ही मेरा समय नष्ट किया इसने, किंतु श्रम का फल मीठा होता है। ऐसा ही कहते हैं ये ऋषि मुनि। आज इस राक्षस के लिए भी सत्य होगा, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लूंगा। अरे ये अनर्थ मत करो, सोते रहो, उठो मत, अन्यथा शीघ्र ही मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। Ha 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 ha
इतना दुस्साहस, मुझे थप्पड़ मार दिया। अब देखो मैं क्या करता हूं तुम दोनों के साथ। प्रभु को ऐसी अवस्था में छोड़कर आने का मन नहीं था मेरा, और मन में माता और उनके शिशुओं की रक्षा की चिंता भी समाई हुई थी, क्योंकि वहां कोई दुष्ट शक्ति अवश्य है, जिसका मुझे आभास हुआ था। कैसी दुविधा में फंस गया ये सेवक। प्रभु की सेवा एवं माता की रक्षा दोनों ही राम काज हैं। मैं एक साथ दोनों कैसे करूं? अर्थात मेरी अनुपस्थिति में वो दुष्ट शक्ति लौट आई है, लेकिन है कहां अभी वो? ये दुष्ट तो इन दोनों शिशुओं तक पहुंच गया है, इसे मुझे रोकना होगा। आपका ये पुत्र हनुमान आपको वचन देता है कि ये हनुमान आपकी संतानों के समक्ष या आश्रम में या आपके कक्ष की ड्योढ़ी के भीतर कभी अपने सत्य स्वरूप में नहीं आएगा। सभी आश्रम वासी तो माता गंगा की पूजा के लिए गए होंगे। वनवास के बाद माता सीता को भी प्रथम बार इतनी गहरी निद्रा का सुख मिला है, इसीलिए माता को उठाना भी अनुचित होगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। कोई दिव्य शक्ति है जिसने मुझे नीचे गिरा दिया। अब मैं तुम दोनों को निगल जाऊंगा शिशुओं। उन शिशुओं के समीप जाने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा अन्यथा क्या कर लोगे वानर? तुम अनेकों बार तुम इनके आखेट में बाधक बने हो, किंतु इस बार तुम देखते रह जाओगे और देखते देखते तुम्हारे समक्ष इन दोनों का मैं संहार कर दूंगा। इन दिव्य बालकों से सुरक्षित रहने के लिए अपना कवच तोड़ लूं। हाँ, अब ठीक है। तो इस वानर की गदा भी मैंने निगल ली, कुछ नहीं कर सकता ये। मुझे ज्ञात है तुम्हें आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, इसलिए तुम वहीं खड़े खड़े मूक दर्शक बने रहो और देखो मेरी क्रीड़ा। मुझे अपना वचन तोड़कर आश्रम में प्रवेश करना ही होगा। वचन की विवशता से बंधकर इसे माता सीता और प्रभु श्री राम के पुत्रों को हानि नहीं पहुंचाने दे सकता मैं। यदि यह तीव्रता से गिरा तो उसकी ध्वनि से माता की निद्रा टूट जाएगी। सखा, जय श्री राम। इस बार मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। तुम कुछ भी कर लो वानर, मुझे रोक नहीं सकोगे।
इन असंख्य कीटों में छिपकर वो दुष्ट शिशुओं तक पहुंचने की चेष्टा कर रहा है। उन शिशुओं के पास लौटने का दुस्साहस मत करो। उसे अपनी दृष्टि से ओझल होकर उन शिशुओं तक नहीं पहुंचने दूंगा मैं। कितने भी संख्या में आ जाओ दुष्टों, मुझसे पार नहीं पा सकोगे। दुष्ट असुर, मेरी दृष्टि से बचकर तुम लव कुश तक नहीं पहुंच सकोगे। वहीं रुक जाओ असुर। आज के दिन की बहुत प्रतीक्षा की है मैंने, अब मुझे तुम नहीं रोक सकते हो। और इन शिशुओं को तो मैं अपना आहार बनाकर ही रहूंगा। जय श्री राम। मैंने कहा था ना दुष्ट, मेरे होते हुए माता को कोई तनिक क्षति भी नहीं पहुंचा सकता। बस बहुत हुआ वानर, तेरा अंत करने के बाद इनकी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। किस धातु का बना है ये वानर? मेरे किसी भी अस्त्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस दुष्ट के गिरने की ध्वनि से माता की निद्रा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। सखा, इस दुष्ट के कारण मैं तनिक भी व्यवधान नहीं आने दूंगा माता और उनके पुत्रों के निद्रा में। ये ध्वनि कौन है यहां? सखा, बस असुर, अब तुम्हें और अवसर नहीं दूंगा मैं। ये इतने कीट कहां से आ गए? मेरे लव कुश तो सुरक्षित है। ये कैसा भूकंपन था? आश्रम में कोई अनिष्ट तो नहीं घटा? मुझे शीघ्र ही वहां जाके देखना चाहिए।
बहुत दिनों से इन सुकुमार शिशुओं पर घात लगाए बैठे हो तुम। मैं नहीं चाहता था तुम्हारे कारण माता की निद्रा भंग हो, इसलिए बार बार तुम्हें गिरने नहीं दे रहा था मैं, किंतु तुमने उन्हें भी जगा दिया है दुष्ट। अब तुम भुगतो उसका परिणाम। अब तुम इन बालकों का कभी कोई अनिष्ट नहीं कर सकोगे। प्रभु पुत्रों की रक्षा लाई, भंग वचन किए कपिराई, पवन तनय राक्षस संहारे, शिशुओं के संकट को टारे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माता, लव कुश तो सकुशल है ना? वहीं रुक जाओ तुम हनुमान। अब एक पग भी आगे मत बढ़ाना, तुमने अपना वचन भंग किया है। चले जाओ यहां से, अब एक क्षण के लिए भी मैं तुम्हें यहां रहने की अनुमति नहीं दूंगी। आज तो भाग्यवश किसी ने तुम्हें नहीं देखा, किंतु फिर यदि ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे कारण सभी मुझे पहचान जाएंगे। ये समाचार प्रभु तक पहुंचेगा और वो विचलित हो जाएंगे, और संभव है इसके कारण उनका वचन भी भंग हो जाए, जो मैं कदापि नहीं सहन करूंगी। इसलिए तुम चले जाओ पुत्र हनुमान। पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? हनुमान ने तो लवकुश के प्राणों की रक्षा की है। मुझे ज्ञात है पितृव्य, परंतु मेरे स्वामी का वचन भंग नहीं हो सकता। इसके लिए मेरी पहचान का छिपे रहना अति आवश्यक है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं फिर ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और माता, अयोध्या में मैंने प्रभु श्री राम को कुछ भी नहीं बताया। हनुमान सत्य कह रहा है पुत्री, ये तुम्हारे हाथों की बनी खीर प्रभु श्री राम के लिए ले गया था, किंतु इसने प्रभु श्री राम को कुछ नहीं बताया। तो क्या स्वामी ने वो खीर खाई? हाँ माता, बड़े चाव से। कैसा अनर्थ कर दिया आप दोनों ने, कृपया ऐसा कभी ना करें। स्वामी को खीर चखकर दो पल का सुख प्राप्त हुआ होगा, किंतु बाद में विरह की वेदना में तरफ उठे होंगे वो। तुम उन्हें मेरा स्मरण कराकर उनकी वेदना को और बढ़ा रहे हो। और मुझे क्षमा करें माता, ये अबोध वानर दो दो बहुत बड़ी भूल कर बैठा। पुत्र हनुमान, तुम मुझसे दूर रहो, ये तो मैं नहीं चाहती, किंतु प्रभु के राजधर्म का स्थापित रहना अति आवश्यक है। कोमल हृदय हो तुम पुत्र, किसी की पीड़ा नहीं देख सकते, इसलिए प्रभु को सुख पहुंचाने या मेरी रक्षा करने के लिए
तुम पुनः ऐसी भूल कर सकते हो। नहीं 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 हनुमान, तुम यहां नहीं रह सकते। नहीं माता, मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता। माता, मुझे आपकी सुरक्षा करने का कर्तव्य निभाने दीजिए। तुमने मेरा आदेश नहीं सुना हनुमान, जाओ प्रभु श्री राम के पास। उन्हें देखकर आया, इतना तो समझ गए होगे कि उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। जाओ यहां से और लौट कर कभी मत आना। माता, आप मुझसे मुंह मत फेरिए। एक दोष का इतना बड़ा दंड मत दीजिए माता। माता, मैं कभी भी इस आश्रम में पांव तक नहीं रखूंगा। किसी को भी आपका परिचय तक नहीं होने दूंगा माता। माता, आपके और प्रभु के मिलन तक मुझे आपकी रक्षा का दायित्व निभाने दीजिए माता, निभाने दीजिए। जब लव कुश का प्रभु से भेंट करने का समय आएगा, तुम्हें इसका आभास हो जाएगा पुत्र हनुमान। परंतु अब जाओ यहां से। स्वयं अपनी रक्षा कैसे करते हैं, इसकी सीख ये माता देगी अपने पुत्र को। मेरे यहां लौटने तक यदि तुम यहां से नहीं गए पुत्र हनुमान, तो मैं ही ये आश्रम छोड़कर चली जाऊंगी। परिस्थिति और समय के अनुसार व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है।